आज है मेरा बैंकॉक के अंदर पहला दिन, बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल सिटी। ये है मेरे साथ पाय। नमस्ते। हेलो। ये है भाई थाईलैंड की फेमस टुक टुक। कैन आई ड्राइव? मी ऐसी कुछ होती है भाई थाईलैंड की छोटी छोटी गलियों वाली मार्केट। ऐसा कुछ खाना होता है भाई यहाँ का, कीड़ों वाला केला है। थाईलैंड के अंदर बैंकॉक सिटी का सबसे बड़ा स्टैंडिंग बुद्धा। ऐसी कुछ होती है भाई यहाँ की लोकल ऑटो। और काफी लंबी बोट है भाई, पूरी की पूरी लकड़ी से बनी हुई है। ये है यहाँ का सेकंड हैंड क्लॉथ एंड शूज मार्केट। हेलो। सेकंड हैंड। थाईलैंड के अंदर लॉटरी सिस्टम बहुत ज्यादा चलता है। प्राइस, हाउ मच यू विन बाय लॉटरी? 6 मिलियन। एक लॉटरी खरीदो 100 बात की 6 मिलियन रुपए जीत जाओ थाईलैंड के अंदर आके। दुनिया का सबसे अजीब खाना आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। हमें मिल गया यहाँ पे जैक स्पैरो। की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज है मेरा बैंकॉक के अंदर पहला दिन, बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल सिटी। भाई थोड़ा गाड़ी को निकल जाने दो। तो ये है मेरे साथ पाय हर्षित। नमस्ते। ताई जो कि मुझे अपने हॉस्टल के बाहर एक बिल्ली से खेलती हुई मिली थी भाई, तो हमारी बात हुई, हम लोग दोस्त बन गए और आज ये हमें घुमाने जा रही है बैंकॉक सिटी। इस वीडियो में बैंकॉक का पहला इम्प्रेशन। व्हाट यू डू फॉर लिविंग? वेट नर्स। भाई कुत्तों की ट्रेनर है, कुत्तों का ध्यान रखती है। 30 दिन की ट्रेनिंग के लिए एक कुत्ते का थाईलैंड में टोटल खर्चा 45,000 भात है, जो कि अपने इंडिया का 1.5 लाख रुपए बनता है। पहला दिन है थाईलैंड के अंदर, टेम्परेचर 38 डिग्री है भाई, वाट लग चुकी है। मत आना इस टाइम जून जुलाई के आसपास। वेयर वी गोइंग? भाई उंगली करके बता रही है उधर जा रहे हैं। बच्चों के लिए और बड़े बूढ़ों के लिए एक्सरसाइज का मैदान बना रखा है फ्लाईओवर के नीचे। थाईलैंड की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 70 मिलियन, और भाई बैंकॉक की जो पॉपुलेशन है वो है 10 मिलियन। थाईलैंड के अंदर कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या छोटा मोटा रात को 2 बजे भी कुछ भी खाना चाहते हो के लिए सबसे बेस्ट आपको मैं ऑप्शन बताता हूँ, वो है 7-Eleven। ऐसे होते हैं भाई अंदर से 7-Eleven। गर्मी का मौसम है, जैसे अंदर आओगे ऐसी कुछ मशीनें लगी होती है, ये उत्सव होती है भाई। कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी के लिए गर्म मशीन होती है, और ये होती है आइस मशीन, इसके बीच में से बर्फ़ निकलेगी। आप कोक ले सकते हो, स्प्रिट ले सकते हो, आउट ऑफ स्टॉक इसमें कुछ नहीं है भाई। फेंटा ले सकते हो, कोक ले सकते हो, बिना जीरो, मतलब जीरो शुगर की है भाई कॉफ़ी है भाई। 7-Eleven के अंदर आपको अल्कोहल भी मिलता है। ये सब यहाँ की लोकल ब्रांड है भाई। चैंग सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबसे सस्ती बियर 50 भात, बड़े वाली महंगी है, छोटे वाली 40 भात है, पर डे वाली 55 भात है। ये सब कोरियन अल्कोहल है भाई। और सबसे महंगी चीज 7-Eleven की वो मिलेगी आपको, ये लेज का पैकेट 10 भात का, मतलब कि ये वाला पैकेट आपको 25 इंडियन रुपए। अपने इंडियन कार्ड से भी पे कर सकते हो, 0 forex money का चार्ज आपको लगेगा। काउंटर पे आपको बता देंगे कितना आपका बिल आया है। हेलो। अभी आ गए भाई हम छोटे से लोकल रेस्टोरेंट के अंदर। कुछ ऐसा प्यारा सा रेस्टोरेंट होता है, लोहे के गिलास के अंदर ऐसे बर्फ डाल के दी जाती है। चीयर्स। ये आ गया भाई हमारा खाना, दुनिया का सबसे अजीब खाना आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। ये जेलीफिश है भाई, ये मीट बॉल है, ये कलेजा है जो कि हम नहीं खाने वाले, ये खाएगी ओनली ताए। यू ईट फूड पटांग चाहिए था ये भाई, ये तो बोला बिना अंडे के लाना, बिना अंडे की जगह तो अंडे को छोड़ के सब लेके आ गई। व्हाट इज दिस? जेलीफिश। भाई हमारे बस की नहीं है ये सब खाना। थैंक यू, बाय बाय। और वेयर वी गोइंग नाउ? टेंपल। मंदिर जा रहे हैं भाई, पता नहीं कौन सा मंदिर है, लेकिन थाईलैंड में मोर देन 90% ऑफ पीपल भाई बुद्धा और गणेशा को मानते हैं। गणेशा मतलब कि अपने वही गणपति पापा मोरिया। थाईलैंड के अंदर बहुत ज्यादा इज्जत और बहुत ज्यादा उसकी पूजा की जाती है भाई। यहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है थाईलैंड। नो मनी नो हनी। थैंक यू मैन। इस टेंपल के लिए भाई आपको 40 बात की टिकट लेनी पड़ेगी भाई। हमारे देश के किसी भी मंदिर में जाना फ्री होता है, टिकट बस टूरिस्ट लोगों के लिए है, यहाँ के लोकल्स के लिए नहीं है। गुड आइडिया टिकट। दे
simple. It have to be free for everyone. यह है थाईलैंड के अंदर बैंकॉक सिटी का सबसे बड़ा स्टैंडिंग बुद्धा। इसकी टोटल हाइट 105 मीटर है भाई। इससे भी बड़ा शायद हो सकता है, आई डोंट नो, गलती भी हो सकती है मुझसे, थोड़ा हिस्ट्री में कमज़ोर था भाई। प्यारा स्टैंडिंग बुद्धा है ये, गोल्डन कलर का है। और यहाँ कुछ छोटे छोटे टेम्पल है भाई। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेम्पल? वाट इन थलाविहान। वाट इन थलाविहान। वाट इन थलाविहान। हेलो, ये है भाई थाईलैंड की फेमस टुक 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 टुक। कैन आई ड्राइव? मी ड्राइव? मी 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 भाई से पूछ रहा हूँ, मैं एक टुक टुक चला सकता हूँ? यस, जस्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर। ओके, हेयर टू हेयर ब्रो। ओके ओके, खाऊंगा। ओके भाई, दे दिया मुझे टुक टुक चलाने के लिए, वीडियो बना दे भाई। थैंक यू थैंक यू भाई, मैं चलाने वाला हूँ टुक टुक। दिस इज फर्स्ट गियर भाई, इस गियर है ये भाग बैठो खास। ओके यस, ओ भाई ब्रेक। अरे भैया, वेयर इज कैमरा? भाई थाईलैंड की टुक टुक चला रहा हूँ। ओके ओके, हाउ टू क्लोज दिस? चाबी बंद कर दिस। ओके थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू थैंक यू भाई, टुक टुक चला गया थाईलैंड की। थाईलैंड के अंदर लोकल ट्रांसपोर्ट में बस, टुक टुक, फेरी और एसी बस होती है। और हम लोग आए हैं नदी के किनारे, सामने से आ रही बोट की सवारी के लिए। हाउ मच यू पे फॉर वन टिकट? 16 16 यस, हाँ 16 बात, 16 बात की एक टिकट। थैंक यू 16 बात की टिकट लेके हम लोग आ गए भाई फेरी के अंदर। कुछ ऐसी दिखती है अंदर से, लाइफ जैकेट रखी हुई है। ऐसे कुछ इस बोट को चलाया जाता है भाई, ये यहाँ से रेस कंट्रोल होती है। हालांकि इस बोट को मैं भी चला लूँगा टुक टुक की तरह, लेकिन भाई देगा नहीं मुझे। गर्मी से बचने के लिए भाई ने पंखा भी लगा रखा है। बोट के अंदर अपनी हरियाणा रोडवेज का हैंडल लगा रखा है यहाँ पे। एक सेल्फी तो बनती है, यस, क्या प्यारे लोग हैं भाई, बड़े स्टाइल में इसको चला रहा है कि जैसे ये सरकारी चीज़ है, टूट गई तो टूट गई, बच गई तो बच गई। और काफ़ी लंबी बोट है भाई, पूरी की पूरी लकड़ी से बनी हुई है। अब ये देखो भाई, बंदर की तरह कूदेगा और रस्सी को फंसा देगा। ये थी भाई वो बड़ी सी नाव किस्ती हमारी, अब भी हम आ गए जमीन पर। थाईलैंड के अंदर आप रोड पे भी ट्रैवल कर सकते हो, छोटी छोटी नदियों के अंदर भी ट्रैवल कर सकते हो। एक अननोन सी लोकेशन पर हम पहुंच चुके हैं, फूड मार्केट है शायद ये। ऐसी कुछ होती है भाई थाईलैंड की छोटी छोटी गलियों वाली मार्केट, इधर दुकान है इधर दुकान है, और बीच बीच में आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट मिलेंगे। लोकल थाईलैंड भाई, जहाँ टूरिस्ट वगैरह बहुत कम आते हैं, सबसे चीप शॉपिंग आप यहाँ पे कर सकते हो भाई, सबसे सस्ता खाना यहाँ पे खा सकते हो, 10-10 बात में चप्पल खरीद सकते हो, 50 बात में अच्छा खासा चावल और चिकन खा सकते हो। ऐसा कुछ खाना होता है भाई यहाँ का, ये सब नमक से भरे हुए अचार है, कीड़ों वाला अचार, केला है, केला है, ये तो बनाना, बनाना बनाना, तैमली फैमिली, ये चटनी है मिर्चों वाली भाई। कीड़े हैं इसके अंदर? नहीं, देखो ध्यान से। नहीं, हाँ हाँ,
नहीं। हाँ भाई नहीं। कीड़े हैं। और बताते हैं, अगर आप लोग थाईलैंड के अंदर कभी घूमने के लिए आओगे तो मार्केट वगैरह में से आप लोगों को अच्छा खाना मिलेगा खाने के लिए। और गोप्रो मैं तो फर्स्ट टाइम पकड़ रहा हूँ, पता नहीं कैसा लगता है। अरे ये है ना यार, क्या हाल है? चिकन लग रहा है, चिकन लेग पीस है ये तो। मच्छी है भाई। दिस इज चिकन, कैटफिश। दिस चिकन, थैंक यू, बाय बाय। थाईलैंड का खाना पूरी दुनिया में फेमस है, जो चाहे आप खा सकते हो भाई। क्रोकोडाइल, स्नेक। टाइम जो है दोपहर के 3 बज चुके हैं और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया भाई, है भाई, कुछ खाना खाया जाए तो इसलिए तो यहाँ आया भाई। 3 बज गए, 3 बज गए भाई, खाना खाओ। अच्छा सा खाना खाने के लिए, क्योंकि हम चावल ही खाते हैं भाई। खाने वाले बंदे थाईलैंड आके चावल खाने लग जाते हैं। चावल भी भाई पानी के साथ गटकाने पड़ते हैं, पानी या तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए। हेलो, यू हैव चावल? चावल है? राइस, 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 चिकन राइस? नो, नॉट हैव। वेयर वी कैन फाइंड? ओके। खाना खाने के लिए आए हैं छोटे से रेस्टोरेंट में। खाने में मंगाया है चावल और चिकन भाई, और गर्मी की वजह से बर्फ और इसमें डाल दी हमने कोक। तो भाई देखते हैं कैसा टेस्ट है चिकन का यहाँ पे। थाईलैंड फूड बेस्ट है भाई। और भाई हम चिल्लर इकट्ठे कर रहे हैं अपने खाने के पैसे देने के लिए। ये 10 भात है यहाँ का, ये 5 भात है और रहे मेरे पे यार, 5 भात। ओके माय फ्रेंड, टेक दिस। ओके, थाईलैंड में आपको 7-11 से इतने चिल्लर मिलते हैं भाई, कहीं भी आपको मौका मिले उन चिल्लर को देने का तो दे दो भाई। लेट्स गो, चले भाई। ओके, थैंक यू, बाय बाय। लेट्स गो दिस साइड, दिस साइड। चलो भाई उधर चलते हैं। और अभी ये जो सामने आपको दिख रहा है भाई, ये है यहाँ का सेकंड हैंड क्लॉथ एंड शूज मार्केट। जो भी कपड़ा और जूता यहाँ पे बिक रहा है इस टाइम इस मार्केट के अंदर, वो सब कुछ सेकंड हैंड मार्केट का है। हेलो, सेकंड हैंड, सेकंड हैंड, सेकंड हैंड। ऐसे ऐसे बूट भाई आपको 200 भात में मिल जाएंगे। हेलो माय फ्रेंड, हेलो। ऐसे ऐसे मंगोलिया के जूते भी भाई आपको 200 भात में मिल जाएंगे यहाँ, सेकंड हैंड मार्केट जूते और कपड़ों की। बैंकॉक के अंदर लॉटरी सिस्टम, बैंकॉक नहीं पूरे थाईलैंड के अंदर लॉटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है। ये यहाँ पे हाउ मच? 100 भात। एंड मनी प्राइस? 100। ऐसी कुछ लॉटरी होती है भाई, 100 भात में 1 लॉटरी। हाउ मच यू विन बाई लॉटरी? 6 मिलियन बाय 1 लॉटरी। हैव यू सॉ एनी पर्सन हु विन 6 मिलियन? मैनी। भाई एक लॉटरी खरीदो 100 बात की, 6 मिलियन रुपए जीत जाओ थाईलैंड के अंदर आके। उस 6 मिलियन से आप पूरी दुनिया घूम लो। बड़े देखते जा रहे हो टेढ़े टेढ़े, कहाँ से? इंडिया। अरे इंडिया तो पता है, इंडिया में कहाँ से? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। समझ गया मैं, गोरखपुर वाले भाई थाईलैंड में इतने ज़्यादा मिलेंगे आपको कि थाईलैंड में आना कोई भी इंडियन बंदा मिले बोले मैं यूपी से हूँ तो सीधा बोलना भाई आप यूपी में गोरखपुर से हो। सही बोला। और कुछ ऐसे है भाई थाईलैंड के हाईवे, ऊपर फ्लाईओवर बना हुआ है ऊपर से गाड़ी जाने के लिए, तो बीच में लोगों के पैदल चलने के लिए ब्रिज बना रखा है, फिर नीचे वापस ये रोड है। थोड़ा सा ट्रैफिक जैम हमेशा रहता है बैंकॉक के अंदर। ये झंडा है थाईलैंड का और ये झंडा है यहाँ के राजा का। राजा ने अपने लिए स्पेशल झंडा बनवा रखा है पीले रंग का, तो थाईलैंड का जो झंडा है वो लाल सफ़ेद नीला सफ़ेद लाल कुछ ऐसा होता है भाई। सामने जो आपको रेड कलर की बस दिखाई दे रही है भाई, ये है थाईलैंड का सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट। 8 बात यानी कि 15 रुपये में आप थाईलैंड के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जा सकते हो बस 15 इंडियन रुपये में। और अगर आप उसी रूट पे एसी वाली बस लेना चाहते हो तो आपको 20 भात देने पड़ेंगे यानी कि 45 से 50 रुपये। और थाईलैंड के अंदर आप 1 किलोमीटर जाओ या 20 किलोमीटर बस सेम प्राइस होता है। आपको बस स्टॉप के हिसाब से टिकट नहीं लेनी पड़ती, बस आपको उस बस की टिकट लेनी पड़ती है। ऐसी कुछ होती है भाई यहाँ की लोकल ऑटो। हेलो माई फ्रेंड, कैन आई कम? Can I come inside? Let's go. Okay. Let's go. Khosang? Huh? Khosang? Khosang? Moon. 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 No. Dur. No. बहुत दूर है. Moon. What? Tom Billy. Back. No. Back. No. Ferry. Boat. 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 Okay. Boat. Okay.
ओके भाई ऐसे ही बैठ गया मैं रैंडम पिच के आगे। ओके बाय, किडनैप कर रहा है क्या भाई? बाय बाय। ऐसी कुछ होती है भाई ऑटो यहाँ की देसी 10, बाद में कहीं भी जाओ बैंकॉक के अंदर। भाई बैंकॉक थाईलैंड, बैंकॉक छोड़ो पूरा थाईलैंड ही एक माया जाल है भाई। अगर आप यहाँ आ गए तो आप अगर 10,000 रुपये लेके आओगे तो उनको भी ख़त्म कर दोगे, 10,00,000 रुपये लेके आओगे उनको भी ख़त्म कर दोगे। इतना बड़ा माया जाल है, मोह माया है। क्या है? मोह माया, मोह के अंदर पड़ गया बंदा ख़त्म है भाई। लेकिन यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं भाई, आपको प्यार देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। हर जगह तो स्ट्रीट फूड पे खाना ही खाना बिकता है। यहाँ देखो और आगे बंदा पे ट्रस्ट कितना है यहाँ पर लोगों को। सुबह भाई मुझे अपने हॉस्टल में एक बंदा मिला लाओस का, तो उस बेचारे के पैसे ख़त्म हो गए थे, और जो हॉस्टल का ओनर है वो चाइनीज है, लेकिन जो हॉस्टल के ओनर की बीवी है ना भाई वो थाई है। तो उस टाइम वो ओनर तो था नहीं, उसकी बीवी थी भाई। तो वो आया बंदा, बोला कि यार मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं, है नहीं रहने की जगह। तो वो ओनर इतनी प्यारी लड़की थी भाई, उसने उसको 3 दिन के लिए फ्री हॉस्टल में बेड दे दिया। हेलो, हाउ आर यू? गुड। पुलिस वाले थे भाई, क्या ही उखाड़ लेंगे। हमें मिल गया यहाँ पे जैक स्पैरो। जैक स्पैरो, हाउ आर यू मैन? सेम सेम। थैंक यू। काकुन का भाई, अगर आपने दुनिया में कहीं जैक स्पैरो नहीं देखा है तो हम आपको थाईलैंड के अंदर जैक स्पैरो दिखा देंगे। मिल गया रोड पे चलते हुए बैंकॉक की गलियों में। अरे भाई, तो भाई अभी लगी है हम लोगों को भूख और आ गए हम इंडियन खाना खाने के लिए। खाने में हमने मंगवाया है भाई आलू की सब्जी है, रोटी है, पूरी है, ये भी आलू की सब्जी है। इसके लिए टोटल पे किया है हम लोगों ने 300 baht, जो कि बनता है इंडिया का अराउंड 750 rupees। काफ़ी महंगा है यहाँ पे इंडियन खाना, वो भी हम लोग इस छोटे से लोकल रेस्टोरेंट पे बैठ के खा रहे हैं, जो कि रोड के ऊपर है। आप रोड के ऊपर बैठ के खाना खा सकते हो। वाह वाह, यही खाना अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर खाते हो जाके तो आपको लगभग 1,000 baht का पड़ेगा दो लोगों का आराम से, जो कि पड़ता है लगभग 2,500 Indian rupees के आसपास। तो भाई फाइनली खाना भी हो चुका है और आज की वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होगी उम्मीद है आपको। ये था बैंकॉक का पहला इंप्रेशन, कैसा है बैंकॉक, कैसा है यहाँ का ट्रांसपोर्ट, कैसा है यहाँ का थाई खाना और कैसा है इंडियन खाना। बड़ा टेस्टी था। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में सोंकरन फेस्टिवल के अंदर। यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है सोंकरन फेस्टिवल आज से 2 दिन बाद। हालांकि अंधेरा है भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। मेरे और हर्षित भाई के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म। बाय बाय।